जय माता दी, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। गाइस वेलकम है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पे, है मतलब नए ब्लॉग में। तो कैसे हो, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इस समय मौसम इतना ख़राब चल रहा है कि घर घर सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो हमारे घर हमारा छोटा बेटा आ रहा हूँ, कल से बीमार पड़ा हुआ है, दवा लाई हूँ, खा रहे हैं, स्कूल नहीं गए, स्कूल की छुट्टी, कल ट्यूशन से भी फ़ोन आया और हमारा कुछ पार्सल आया है, मैंने मंगाया है। गाइस अभी इसको खोली नहीं हूँ, खोल के दिखाती हूँ कि मैंने इस पार्सल में क्या मंगवाई हूँ, दिखाती हूँ। भाई त्यौहार आ रहा है अभी से, जब अब त्यौहार नज़दीक आ जाएगा तब मैं मंगाऊँगी, तो हमारा समय पे आ नहीं जाएगा। इसके लिए मैंने पहले से सब चीज़ें मंगा के रख रही हूँ। तो इस पार्सल में क्या है मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ। और चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर से प्रेस करिए। गाइस मैं बहुत दुखी हूँ और हमारा ना दिल इतना अंदर से रो रहा है। माता रानी का दिन चल रहा है, माता रानी के सामने मैं माँ के सामने रो तो माँ को तरस आएगी अपनी बेटी के लिए। तो मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है। आरोको उठो। तो गाइस ये रहा हमारा ये पार्सल, और पार्सल जो हमने स्टैंड मंगवाया था वो भी आया था, लेकिन मुझे जम नहीं रहा था रखने को, तो मैंने उसको ना रिटर्न कर दिया। और इधर देखिए मैंने क्या मंगवाया है। भाई त्यौहार आ रहे हैं, त्यौहार के नए नए, तो इधर हमने बेड शीट मंगवाई है। और ये बेड शीट में दो पिलो का दो पिलो भी है, दिखाती हूँ। ये देखिए नरम है, दिखाओ। हाँ नरम है, अच्छे पूरा प्रॉपर तरीके से सूट करो उसे पर। तो इधर देखिए ये दो पिलो है ऐसे इस पे, और ये देखिए दो बड़े वाले पिलो का कवर है। अच्छा लग रहा है ना, कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये रहा बेडशीट, पिंक पिंक वाइट वाइट, बीच हवरे में। ये भी डबल बेडशीट मंगाइयो। हे मैया रखी है अचरवा के लाज। अच्छा लग रहा है गाइस कमेंट में जरूर ऐसे फिर से करो, फिर से करो, फिर से करो। तो इधर अच्छे, मुझे तो अच्छा लग रहा था, मैंने मंगा लिया। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग भी बताइएगा। तो अगर से आप ये परचेस करना चाहते हैं तो मैं इसका स्टोरी में लिंक लगा दूँगी, आप लोग इसको मंगा सकते हैं। अच्छा है, कपड़ा भी अच्छा है, बेडशीट का कपड़ा आप लोग, क्वालिटी भी अच्छी है। तो यही रहा हमने मंगाया है, ये सब हम क्यों दिवाली की तैयारी कर रहे हैं अभी से। A few moments later. Hey guys, हो चुका है शाम का टाइम और यहाँ पे देखिए कितने घड़ी में कितने बज गए हैं, 6:30 के ऊपर थोड़ा हो रहे हैं। और अभी तक मैं स्कूल का ड्रेस सिर्फ शर्ट पहना हूँ, क्या है कि आया था थका थका से लग रहा था, सो गया मैं। तो अभी को उठा उस सो के, तो मैं उठा, मुँह हाथ पैर धोया तो देखा मम्मी यहाँ पे देखिए मंदिर में जो कि पूजा कर रही है, नवरात्रि चल रहा है सुबह शाम। वैसे भी हमारे घर में तो दोनों टाइम से होता था, नवरात्रि रहे चाहे ना रहे, और नवरात्रि चल रहा तो वो तो होना ही है। तो यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे हम लोग जुड़े रहिए, मिलते कुछ देर बाद। ये गाइस पूजा पाठ हो गया है और इधर सारे कपड़े जो धूल के रखे हुए थे सूख गए हैं, तो हमने इधर कपड़े उतार लिए हैं। इस काम में आर्यन थोड़ा सा हमारा हेल्प कर रहे हैं, और कपड़े सूख गए और जो सुबह के धुले थे कल के धुले थे घर में फैला दिए, और इधर अंधेरा है, बाहर बाहर भी फैला दिए सारे कपड़े, अंधेरा दिख रहा है। तो अभी शाम का आरती होगा, मैंने तो घर में पूजा किया है, देवी माँ को बैठाया गया है, लेकिन क्या है कि एक दिन भी मैं आरती में जा नहीं पाई। तो आज फ़ोन आया था कि एक दिन भी आई नहीं। जब आरती होता है तो मेरे घर में पानी आने का समय होता है, तो किचन का सारा काम करना रहता है। तो लेकिन आज मैं सोची हूँ कि मुझे आरती में जाना है। आर्यन आर्यन, और हमने उस दिन कुछ ब्लॉग डाले थे, तो अनीता नाम करके कोई
अनीता फिल्म्स करके बोल रही हैं। जाहिर सी बात है कि तुम लोग तीन भाई तीन बहन हो, छः लोग हो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ नहीं सकते हो, तुम्हारे माँ मतलब एक बोलने का वो लय होता है, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की क्या, हम लोग छः भाई बहन है ना, तो हम लोग प्राइवेट स्कूल में ही पढ़े हैं। हाँ, सरकारी स्कूल का तो हमने कभी मुंह भी नहीं देखा है कि सरकारी स्कूल कैसा होता है। मैं क्या, मेरा इतना बड़ा फैमिली है, मेरी फैमिली में कोई भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा है। मेरे पापा की इतनी उम्र हो गई, मेरे पापा भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े हैं, प्राइवेट स्कूल में ही पढ़े हैं। और हमारी फैमिली बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। तो इसमें हमारे घर पे क्या, मैंने अब ब्लॉग बनाने लगी, कैसा सिचुएशन, क्या माहौल था, ये सब चीज़ें आप लोगों को नहीं पता है। तो जो प्रेजेंट टाइम में देखो, आज फिर एक बार लास्ट में बोल देना चाहती हूँ कि जिसका जहाँ का टंग जैसा रहता है वो वैसे ही बोलता है। अब जितना माँ बाप बच्चों को केयर करते हैं, मतलब सोचते हैं पैसा रहे ना रहे ऋण कर्ज करके पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि दुनिया इतना आगे हो गई है कि इंसान कमा के अपना भरपाई कर। पहले के ज़माने में लोग बाहर नहीं जाते थे, बाहर नहीं निकलते थे, घर पे रह के जॉइंट फैमिली रहती थी, जो भी बिजनेस रहता था सब उसी में अपना हाथ बटा के काम करते थे और ऐसे ही पहले के घर चलते थे। अब क्या है कि लोगों का शादी हो रहा है, नहीं डिमांड पूरा हो रहा है, बाहर निकल जा रहे हैं कमाने के लिए, मेहनत कर रहे हैं। पहले के लोग भी मेहनत करते थे, लेकिन इतना बाहर घर छोड़ के जाना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता था, सब घर छोड़ के नहीं जाते थे। लेकिन अब के बच्चों में एक जुनून होता है कि पैसा नहीं रहेगा तो हम कैसे अपना शौक पूरा करेंगे, क्योंकि दुनिया इतना आगे हो गई है कि भले इंसान एक वक्त कम खाएगा लेकिन अपने शौक को पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है। मैं जो चीज़ देखती हूँ वो चीज़ आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और रही बात मेरे मम्मी पापा की, तो मेरे मम्मी पापा जितने में थे उतने में अपने बच्चों के लिए बहुत ही किया है। मुझे अपने मम्मी पापा पे बहुत प्राउड फील होता है। कभी कभी किसी के पास इतना धन दौलत होने के बावजूद लोग नहीं कर पाते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन मेरे मम्मी पापा के पास न होते हुए भी हद से ज़्यादा अपने बच्चों के लिए किए हैं, चाहे जिस परिस्थिति में। और बहुत से लोग के घर में इतना धन रहता है, बेटी आ जाती हैं और बच्चे रहते हैं, माँ बाप नहीं सोचते हैं कि मैं अपनी बेटी को दूँ या फिर मैं किस सिचुएशन में अपने बच्चों की शादी करूँ, मेरे पास नहीं है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम जहाँ तक हम जानते हैं, क्योंकि देखो घर की परिस्थिति कौन समझ सकता है, जो बड़े रहते हैं वही। मैं अपने घर की बड़ी बेटी हूँ, मुझे पता है ना कि किस सिचुएशन में हमारे पापा ने हम लोगों का परवरिश किया, कैसे पढ़ाए, कैसे लिखाए, कैसे शादी किए, कैसे विवाह किए, ये चीज़ें माइंड रखता है, मेरे लिए माइंड रखता है। मैं जानती हूँ कि परिस्थिति क्या होती है, इसीलिए मैं उस परिस्थिति में, आप लोग को कभी कभी लगता होगा ना कि इतना संघर्ष करने के बाद मैं इतना स्ट्रांग कैसे बनी हूँ, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे कुछ ना कुछ माँ बाप से सीखने को मिलता है, तो मुझे भी ये चीज़ें अपने परिवार से ही सीखने को मिला है। इतना लंबा परिवार में रह के मेरे मम्मी पापा ने मेरी, हम बच्चों की परवरिश की, और हम लोग के घर में कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता था। आज भी लोग मार्केट वाले ताज्जुब मानते हैं कि इतना बड़ा फैमिली है फिर भी इन लोग के घर में इतना एकताई क्यों है। तो ये चीज़ें मुझे शेयर करने की, बताने की ज़रूरत नहीं, मैं अपने परिवार की वैल्यू समझती हूँ कि मेरे परिवार के लोग कैसे हैं। अब बच्चे हो गए हैं, थोड़ा बहुत सबके घर में मन मुटाव होता है, लेकिन उस तरीके से नहीं होता है कि एकदम रिश्ता ख़त्म हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन भगवान के भोलेनाथ की दया से बहुत ही अच्छा है और ऐसे ही चलता रहेगा, जहाँ भगवान माता रानी का दिन है। और आप लोग को देखो इतना भव्य माता रानी का मूर्ति बैठाए हुए हैं, बिना श्रद्धा बगैर उससे गणपति जी भी बैठाते हैं, श्रद्धा रहती है तभी। तो जैसे ही उन लोग श्रद्धा से बैठाते हैं वैसे हमारा परिवार चलता है। और कुछ की बोलना नहीं चाहती हूँ, माँ बाप किसी के बुरे नहीं होते हैं, चाहे मेरे माँ बाप हो, चाहे मैं खुद माँ हूँ, मैं खुद अपने बच्चों के लिए सोचती हूँ।
और हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, बुरा नहीं सोचते हैं। और रही हम लोग के बोलने की बात, तो हम लोग की भाषा ही ऐसी है। अब हमें बार बार सफाई नहीं देना, मैं स को साफ को साप बोलती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ, तो भाई जो हमारी टोन है मैं वही बोलती हूँ। तो चलो ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, अब जा रहे हैं घर पे, पूजा कर ली, थोड़ा सा आज आरती में जाऊंगी। मुझे माता रानी दुख दे रही हैं, सुख दे रही हैं, सब मैं एक्सेप्ट करती हूँ। ये थोड़ी नहीं है कि मैं आप लोगों से बोलूँ कि धन्यवाद, धन्यवाद तो मैं माता रानी की भी करती हूँ, भोलेनाथ का भी करती हूँ। ये आज जो कुछ भी है उन्हीं की बदौलत है, मेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं है, सब उन्हीं लोग का है। जो देने वाली वही है, लेने वाली वही है, ये तो मैं जानती हूँ। और क्या कह सकती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।